वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ ऑफ फूडी। तो गाइस कैसे आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आपके क्वेश्चंस होंगे कि काफी टाइम से हम क्यों नहीं कोई वीडियो भी अपलोड कर रहे थे, ड्यू टू सम पर्सनल इशू हम लोग वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, बट प्रॉमिस आज से हमारी वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी और जैसे आपकी डिमांड रहेगी वैसी वीडियोस मिलेंगी, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। गाइस जैसे आप हमें पहले भी प्यार कर रहे थे वैसे हमें अब भी प्यार करिए, जैसे आपने 100 सब्सक्राइबर्स से 200 करे ऐसे 300-400 बन के जल्दी से कर दो। Yes, guys, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है, बस जैसे आप हमें हमेशा प्यार करते आया अब भी वैसे ही सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और वीडियोस को देखते हो तो लाइक जरूर करो, व्यू मत दो मतलब लाइक भी करो उसको, शेयर भी करो, जिससे मतलब हमारे चैनल के पे जो सब्सक्राइबर्स है वो बढ़े और हमें सपोर्ट करो। कोई चैलेंजिंग वीडियो नहीं लेके आए हैं आज हम आपके लिए करने वाले फूड एक्सप्लोर। तो गाइस किसी ने हमें बताया था गोल मार्केट में गुप्ता रेस्टोरेंट है, वहाँ पे यमी यमी फूड मिलता है, वहाँ जाके थोड़ा सा फूड एक्सप्लोर करो। सो गाइस हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि आप वहाँ जाओ, वहाँ का फूड ट्राई करो क्योंकि वो आपके बजट में भी है, प्लस बजट में है और टेस्टी भी है। सो गाइस आज हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि वो हमारे घर से पास भी पड़ता है, तो हम वहीं जा रहे हैं, वहाँ पर फूड हम देखते हैं क्या है क्या नहीं, हम आपको सब दिखाएंगे, सब मेन्यू भी दिखाएंगे, मेन्यू भी दिखाएंगे, जाने का रास्ता भी बताएंगे, आप कैसे कैसे वहाँ जाओ। सो गाइस टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, और अब हम अपनी लोकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो गाइस अभी हम ई रिक्शा लेंगे, वहाँ से हम गोल मार्केट जाएंगे, अभी हम आपको बताएंगे हमारे घर से कितना प्राइस लगता है गोल मार्केट जाने का पहाड़गंज से। तो गाइस चलो हम आपको सबको दिखाते रहेंगे, तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें, ठीक है। सो गाइस ये अभी हम मेन मार्केट में आ गए हैं, 6 टूटी चौक, अब यहाँ से हम ई रिक्शा लेंगे। तो गाइस अभी हम ई रिक्शा कर रहे हैं, गोल मार्केट यहाँ भी डिस्कशन हो रहा है, अभी हमने कर लिया ई रिक्शा। सो इशू पहाड़गंज से यहाँ पे से यहाँ गोल मार्केट पहुँचने से 10 रुपीज़ लगते हैं, ओके ज़्यादा ना ले लें इसलिए। तो हमने ई रिक्शा कर लिया है और हमने 10-10 रुपये का करा है यहाँ 6 टूटी चौक से गोल मार्केट का, तो अभी चलते हैं हम लोग लोकेशन की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाके आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या ऑर्डर किया है और वहाँ का मेन्यू सब एक्सप्लोर करने वाले हैं आज हम, तो सब वीडियो में बने गए। ना तो ये बंगला स्वीट्स हाउस पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, ये बंगला फूड्स पड़ेगा, अरे यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब इतना भी नहीं है बट लेकिन ठीक ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं, ये आपका आइसक्रीम वाला दिख रहा होगा ना,
बस वहीं तक जाना है हमको, जस्ट पहुंचने वाले हैं ओनली 1 या 2 मिनट में। ठीक है भाई, नैना की डिमांड आई है, आइसक्रीम भी खानी है नैना को। गाइस वहां से आओगे ना आपको 2 गली छोड़ के 3री गली में चलते जाना है, जैसे नेहा चल रही है। नेहा, तो गाइस हम आ चुके हैं गुप्ता रेस्टोरेंट। चलो तो गाइस हमने पिज्जा देखा है, इसमें कितने का पिज्जा देखा? नहीं है चीज़ पिज्जा देखा है, चीज़ पिज्जा प्राइस 150 है, बाकी हम जब ऑर्डर करेंगे मैं टेबल पर आ जाएगा, देन हम आपको दिखाएंगे और उसके रेट। हमने क्या क्या ऑर्डर करा है और उसकी क्या क्या प्राइस है? तो गाइस अभी हमने पाव भाजी करी है, ठीक है, 80 रुपये करे। एक हमने चीज़ी पिज़्ज़ा करा है 150 का, एक हमने करा है बड़ा जो हमें पड़े 70 रुपीज़। तो अभी तक तो बजट में है, बाकी टेस्ट बताते हैं कि टेस्ट तो गाइस बैक नॉइज के लिए थोड़ा अगर आते हैं तो आप यहाँ पर मोमोज भी ट्राई कर सकते हैं। गाइस अभी हमने मोमोज इसलिए ऑर्डर नहीं करे क्योंकि वो शाम को मिलते हैं, और अभी दिन का टाइम क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 4:30 हो रहे हैं, तो इस वजह से हमने अभी मोमोज ऑर्डर नहीं करे। अब जो भी जल्दी से ऑर्डर आने वाला है हमारा, फिर हम आपको टेस्ट करके बता देंगे कि कैसा है। सांभर, 2 तरह की चटनी मिली है और 2 वड़ा मिले। नेहा टेस्ट करके बताओ। गाइस ये हमारी पाव भाजी है, भाजी है, प्याज है, इसमें हरी चटनी है, पाव है। अभी हमारा पिज्ज़ा नहीं आया है क्योंकि अभी वो बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक ये ठंडा ना हो जाए आपको ये टेस्ट करेगा। पहले नेहा टेस्ट करेगी बड़ा पाव कैसा है। देखो बड़ा पाव जो है वो क्रिस्पी तो बहुत है, अंदर से भी मतलब अच्छा पका हुआ है, सही सांभर की क्वान्टिटी भी अच्छी है। और ये रेड वाली कैसी है टेस्ट? आप इसको 10 में से कितने पॉइंट देंगे? 8 मेरे टेस्ट के हिसाब से, बाकी और अगर मुझे नहीं पता, बाकी अच्छी है, रेट्स भी अच्छे हैं और खाने के लिए भी क्लीन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इशू आप पाव भाजी टेस्ट करने वाली है और वो बताएगी कैसी है। प्याज और हरी चटनी भी है, कैसी है? टेस्टी है, बहुत ज़्यादा भी अच्छी है, क्लीन है बहुत बड़ी। जो हमें पढ़ा है नेहा कितने का?
115 रुपए समथिंग का। नहीं, ये पड़ा है 150 रुपए का। हाँ, 150 का ही हमें पड़ा है, बट ये शक्ल से तो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है, चीज़ी लग रहा है पिज़्ज़ा। रिव्यू देगी चीजी पिज्जा, क्या सच्ची में चीजी है? नहीं गाइस, हमने उनको नहीं बोला कि चीज ज्यादा करना, बस उनको हमने पिज्जा ऑर्डर करा है। ये मतलब जो उनका होता होगा उन्होंने दिया, मतलब मेरे हिसाब से आपको डोमिनोस की पिज्जे में भी इतनी चीज नहीं मिलेगी जो आपको नॉर्मल स्ट्रीट के उस पे मिल रही है, बट दिस वन इज यम्मी। आ चुके हैं और हमारा बिल्डिंग आ चुकी है, अब हम देखते हैं हमारी कितने की बिल्डिंग पड़ी है। हमारा टोटल बिल जो आया है 355। देखो गाइस, हमारा 355 का बिल आया है, ये देख सकते हैं आप, जिसमें से जो भी बताया था आपको, जैसे पाव भाजी, सांभर वड़ा, चीज़ पिज़्ज़ा, पानी की बोतल एक और एक पेप्सी ली थी हमने। आगे निकल चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं पीछे वो रहा गुप्ता रेस्टोरेंट। अच्छा था ओवरऑल, बस यहाँ पर अभी कोल्ड कॉफ़ी और शेक वगैरह अवेलेबल नहीं थे, बाकी सब अच्छा था। और 355 रुपये में इतना सब कुछ कुछ बुरा नहीं है, और पेट ऐसा नहीं है भरा नहीं है, पेट भी भर गया। गाइस चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं, जैसे नैना की फरमाइश हुई थी, जैसे मैडम जी को आइसक्रीम खानी है, तो अब जैसे सब कुछ हमने खा लिया, तो अब एक डेजर्ट भी होता है, तो हम डेजर्ट के रूप में आइसक्रीम में कह रहे हैं कुछ भी मीठा खाएंगे हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस चलते हैं, ट्रैफिक है बहुत, इसलिए आपको हमारी वॉइस नहीं आ रही होगी। बाकी हम
खाया और जितने उसका प्राइस था हमने सब आपको सब आपको मेंशन कर दिया है। मतलब देखा जाए तो बजट में है, तो आप लोग भी जाओ और वहाँ पर ट्राई करो, मस्ट विजिट करो, ज़रूर जाओ, बहुत अच्छा है सच्ची में खाने में। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से बहुत अच्छा है, बाकी आप लोगों के टेस्ट का आपको पता होगा तो, बट लेकिन जाओ ज़रूर, ठीक है। और इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए क्या नहीं आप कंटेंट हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारे कमेंट करें। वैसे आप वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो साइड पर बेल आइकन होती है ना उसको क्लिक कर दीजिए, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज इसी के साथ चलते हैं हम लोग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।